दक्षिण कश्मीर के जिला कुलगाम के रेडवानी इलाके में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में दो आतंकवादी मारे गए। इनमें से दो आतंकियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। शवों की पहचान किए जाने की प्रक्रिया चल रही है। ऑपरेशन अभी भी जारी है। कश्मीर जोन पुलिस ने ये जानकारी दी है। सोमवार देर रात आतंकियों के साथ शुरू हुई मुठभेड़ मंगलवार सुबह दूसरे दिन भी फिर शुरू हुई। देर रात कुलगाम के रेडवानी इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने पर पुलिस CRPF सेना की टीम मौके पर पहुंची। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया। इलाके में प्रवेश और निकासी के सभी रास्तों को सील कर दिया गया। घेरा सख्त होता देख आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने भी जवाबी फायरिंग शुरू की। हालांकि देर रात तक कोई आतंकी मारा नहीं गया था। अंधेरा होने की वजह से सुरक्षा बलों की ओर से अतिरिक्त सतर्कता बरती गई ताकि किसी प्रकार का कोई नुकसान न होने पाए। मंगलवार सुबह एक बार फायरिंग शुरू हुई। शनिवार शाम को पुंछ जिले की सुरनकोट तहसील के डन्ना शाह सितार क्षेत्र में वायुसेना के वाहनों पर आतंकी हमला किया गया। इस हमले में 5 वायु सैनिक घायल हो गए। घायलों में शामिल विकी पहाड़े शहीद हो गए। हमले के बाद से ही सुरनकोट व मेंडर के 20 किलोमीटर तक क्षेत्र में घेराबंदी की गई। ड्रोन की भी मदद ली जा रही है। सुरक्षा बलों ने बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया है। इलाके में सेना जम्मू कश्मीर पुलिस और SOG के 1000 से अधिक जवानों ने मोर्चा संभाल रखा है। सोमवार को सेना ने दो आतंकियों के बीच स्केच जारी किए हैं। इन आतंकवादियों का पता बताने वाले को 20 लाख रुपए दिए जाने का भी ऐलान किया गया। इसके साथ ही कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।